88,000 का इनामी बदमाश नंदू पारदी हत्या सहित नगदबाजी के अपराधों में नंदू पारदी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद 2010 में उच्च न्यायालय से जमानत लेने के बाद में आरोपी फरार चल रहा था, जिस पर महानिदेशक ग्वालियर द्वारा 30,000 का इनाम घोषित किया गया था। वहीं गुना में आरोपी पर विभिन्न मामलों में 50,000 का इनाम घोषित किया गया है, जिसके बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। वहीं मुखबिर सूचना के आधार पर नंदू पारदी को सुल्तानगंज बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया। आज गुना पुलिस के द्वारा जो है एक अब तक का सबसे बड़ा इनामी पकड़ा गया है। 88,000 रुपये का इनाम जो है ये नत्थू पारदी करके था, जो मर्डर नकबजनी डकैती ऐसे अलग अलग मामलों में फरार चल रहा था। 2010 से ये फरार चल रहा था, तब से ये व्यक्ति जो है वो गुना में ना रहते हुए बिहार झारखंड साइड में कहीं पर रह रहा था। पुलिस इसको लगातार प्रयास कर रही थी ढूंढने का, अभी हम लोगों को इसको पकड़ने में सफलता मिली है। पिछले 5-6 दिन से हमारी 12 लोगों की टीम जो है वो लगातार बिहार और झारखंड एरिया में जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, जिसमें इसको जो है गिरफ्तार करके आज न्यायालय में पेश कर रही है। 88,000 का इनामी है।